इधर हवा काफ़ी तेज चल रहा है, जिसकी वजह से बता दें आपको गाड़ी चलाना भी काफ़ी मुश्किल है। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर का रोड है। आगे तो आगे जाती है, लेकिन उधर लिखा था ये रोड बॉर्डर का है, जो बॉर्डर के लिए जो रोड बनाती है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर ये सारा रोड। अदा अभी इधर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, कुछ विंड मिल है। तो अब हम चल रहे हैं इधर से कुलथरा की ओर, बड़ाबाग से इधर कोई सागर वगैरह है, उधर से होते हुए हम जाएंगे कुलधारा। तो इधर से जाता है मूल सागर, अमर सागर, और इधर से ही कुलधारा है। तो अभी हम इधर चलेंगे, इधर जैसलमेर के इधर से आए थे, इधर बड़ाबाग गए थे, इधर जाएंगे कुलधारा, और फिर कुलधारा इधर से घूम कर आएंगे। सूर सागर से आगे आ चुके हैं, और अभी हमें इधर 15 किलोमीटर जाना है कुलधारा के लिए इधर से। तो अभी हम अमर सागर की तरफ से आए हैं, यहाँ पर एक छोटा सा दुकान था, मुझे कुछ कैश है तो मैं ऑनलाइन पे कैश ले लिया, और यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर हो जाना है। तो आगे हम जाएंगे खुल जाए, तो उधर से वापस में आते वक्त अमर सागर घूमेंगे। चलते हैं उधर आगे, वहाँ पे हमारी स्कूटी लगी हुई है, छोटा सा ये मतलब चौक चौक टाइप का था, दुकानें वगैरह थी। आगे में 11 किलोमीटर और आगे जाना है, चलते हैं 11 किलोमीटर। इधर दूर दूर तक तो कुछ नहीं रहेगा, बस इधर बकरी वगैरह ही दिख रहा है। इधर एक फोर्ट है जिसको कि होटल में तब्दील कर दिया, वो होटल बन चुका है। और हवा इधर हमेशा काफ़ी तेज हवा चल रहा है, चलाने आए हुए हैं कुछ लोग, काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको इधर दिख जाएंगे। इधर सब भीड़ चलाने आए हुए थे, इधर सामने लेंगे। अगर आप जीप से घूमना चाहते हो तो जीप का 800 रुपये लगेंगे, फिर मैं केवल कैमरा पे घूमूंगा 100 रुपये में। तो जहाँ जहाँ दूर दूर तक घूमेंगे आपको यहाँ से ऐसा में 40 किलोमीटर दूर है। मैंने अपना स्कूटी वहाँ पे रखा, मैंने अपना स्कूटी वहाँ पे लगा दिया है, और अभी इधर जा रहा हूँ। सेम डेजर्ट आज ही निकलना था, इसलिए मैं दोपहर में ही आ गया।
गाड़ी रेंट स्लिप पर लेकर आया, तो अगर ऐसे कुछ घूमने वगैरह कर गया तो काफ़ी दिक्कत होता। पहली बार